वेरी गुड, बैठिए आप लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोग स्टडी करेंगे मेन रिवर्स ऑफ इंडिया। और मेन रिवर्स ऑफ इंडिया ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है। और पहले ही हम आप सभी लोगों के बता दे रहे हैं, वैसे आप लोग बहुत तेज हैं, शायद इतनी तेज बैच पढ़ाने में मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, फीट प्राउड। इसी तर्ज पर आपसे पहले ही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इतना ध्यान से आप पढ़ें कि आपको तो होना है ही, लेकिन यहाँ जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपको बताना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आप आइए, कम टू द मेन रिवर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर बहुत ध्यान से आप ये देखिए कि ये जो मेन रिवर्स ऑफ इंडिया है, मेन रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत देश एक महान देश है, यहाँ पर मेनी रिवर फ्लोज इन इंडिया। अगर आप रिवर्स की बात करेंगे तो रिवर्स, व्हाट इज रिवर्स, तो रिवर्स के बारे में आप ये कह सकते हैं कि वाटर विच फ्लोज अकॉर्डिंग टू स्लोप, जो स्लोप के अनुसार वाटर फ्लो होता है उसी को आप क्या कहते हैं, रिवर्स कहते हैं। और ये जो रिवर्स है, रिवर्स चूंकि ये जल होगा तभी तो प्रवाहित होगी, और ये जब जल का मामला होगा तो भारत में कहा जाता है कि यहाँ रेनी सीजन में बहुत सारी नदियाँ प्रवाहित होती, मेनी रिवर फ्लोज इन द रेनी सीजन। किस सीजन में बहती हैं, रेनी सीजन। और रेनी सीजन या सीजन के आधार पर अगर आपको देखा जाए, ये जो रिवर्स हैं इन्हें आप कम से कम भारत की रिवर्स को आप चार भागों में इसके ओरिजिन के आधार पर आप डिवाइड करते हैं। इंडियन रिवर्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, फोर पार्ट्स। ये ओरिजिन के आधार पर है, या इसी में आप सीजन भी जोड़ सकते हैं। और यदि आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर अगर देखा जाए इन वर्ड, तो रिवर टोटल कितने स्थानों से निकलती हैं, तीन। रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम थ्री प्लेसेस, कितने स्थानों से निकलती हैं, थ्री प्लेसेस। अगर कहा जाए फ्रॉम वेयर, तो ये जो थ्री प्लेसेस हैं, इन थ्री प्लेसेस में आप पाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दे ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्लेशियर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब आप लोग दे रहे हैं। ग्लेशियर, अगर कहा जाए व्हाट इज ग्लेशियर, तो ग्लेशियर के बारे में आप ये जानिए कि जो हाई पीक्स या जो माउंटेन्स के हाई पीक्स होते हैं, इन पर जो अकुमुलेशन या आइस का जो यहाँ पर जमाव होता है, यही मेल्ट होने के बाद जब ये पिघल करके प्रवाहित होते हैं तो ये बहुत विशाल धारा प्राप्त कर लेते हैं, और जो कि निरंतर ढाल के मुताबिक प्रवाहित होते हैं, बहते रहते हैं, उसी को आप कहते हैं कि रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्लेशियर। पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पर फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेयर, ग्लेशियर। दूसरा आप कह सकते हैं कि इट ओरिजिनेट्स ड्यू टू फॉल्ट, कहाँ से निकलती है, ड्यू टू फॉल्ट, ड्यू टू एनी कॉजेस बीनीथ अर्थ और ऑन अर्थ, धरातल पर किसी भी घटना की वजह से जब यहाँ पर फॉल्ट की क्रिया अर्थात क्रैक्स आ जाते हैं, तो उन क्रैक्स का जब वाटर पोर से संपर्क होता है तो बहुत वेग के साथ वाटर बाहर आने लगता, तो ऐसी स्थिति में वह कंटिन्यूसली प्रवाहित होता रहता, और फिर इसी घटना को आप कहते हैं कि ओरिजिनेशन ऑफ रिवर्स। तो यहाँ से भी जल प्रवाहित हो रहा है और ग्लेशियर से भी हो रहा। थर्ड जो कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में पाते हैं, अधिक संख्या और मात्रा में पाते हैं, वह है लेक्स और वी कैन से पॉन्ड्स आल्सो, इसको आप क्या कह सकते हैं, पॉन्ड्स। तो पूरे वर्ल्ड में एक तो या तो लेक या तो पॉन्ड से रिवर
ओरिजिनेट होती है। तो अब इसके अलावा चाहे अर्थ की बात हो चाहे पूरे यूनिवर्स में, कहीं से भी रिवर का ओरिजिनेशन नहीं होता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? नो डाउट। इट मीन्स आपका यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनवर्ड या अनअर्थ रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम हाउ मेनी प्लेसेस? फ्रॉम थ्री प्लेसेस, तीन स्थानों से ये ओरिजिनेट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लेशियर, आफ्टर देन सॉल्ट, आफ्टर देन लेक्स एंड फॉल्स। इसी के बाद चूंकि हम लोग कहाँ की रिवर्स पढ़ रहे हैं, मेन रिवर्स ऑफ इंडिया। जब इंडिया की बात होती है, इन इंडिया रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम फोर प्लेसेस, कहाँ से निकलती हैं? चार स्थानों से। और इसको आप बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि रिलीफ ऑफ इंडिया रिवर के फ्लोज होने के आधार पर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द इंडिया, मान लीजिए ये आपका, दिस इज योर इंडिया, ये आपका मान लीजिए भारत है। और इस भारत के बारे में ये कहा जाता है कि रिलीफ के आधार पर, आप हमेशा से पढ़ते आए होंगे कि सपोज दैट दिस इज योर नेबरहुड कंट्री, विच कंट्री? बांग्लादेश। यहाँ पर कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश। या आपका नेबरहुड कंट्री म्यांमार, कौन सा है? म्यांमार। अब इसी म्यांमार का ओल्ड नेम बर्मा है, बर्मा इज ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार। म्यांमार, यू आल्सो नो वेरी वेल दैट म्यांमार इज आल्सो कॉल्ड गोल्डन पैगोडा कंट्री, या कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा, यहाँ आप जानते हैं। और यदि बांग्लादेश की बात किया जाए, इट इज आल्सो कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान, इट मीन्स ओल्ड नेम ऑफ बांग्लादेश इज ईस्ट पाकिस्तान। एंड हियर यू सी दिस इज योर नेबरहुड कंट्री नेपाल, एंड दिस इज भूटान। तो ये मान लीजिए आपके बहुत ही बॉर्डर से लगे हुए नेबरहुड कंट्रीज हैं। और लेफ्ट साइड अगर आप देखें तो यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन में कौन है? पाकिस्तान। इसके बाद आपके साउथ इंडिया की बाउंड्री ये टच करती है कोस्ट लाइन, या सी से टच करती है। तो यहाँ पर अगर आप रिलीफ ऑफ इंडिया देखेंगे, तो रिलीफ ऑफ इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी सपोज दैट दिस इज POK, ये कौन है? POK। और इस POK से लेकर के आपके लद्दाख तक एक हिल्स है, माउंटेनियस रेंज है, दैट इज कॉल्ड काराकोरम रेंज, या कौन सा रेंज है? काराकोरम रेंज। इसी के साउथ में स्थित है लद्दाख, लद्दाख माउंटेनियस रेंज। इन द साउथ ऑफ लद्दाख जास्कर इज लोकेटेड, कौन स्थित है? जास्कर। और जास्कर के साउथ में ग्रेट हिमालयाज आर लोकेटेड। तो ये बताइए जास्कर के साउथ में कौन स्थित है? ग्रेट हिमालयाज। और ग्रेट हिमालयाज के साउथ में मिडिल हिमालया इज लोकेटेड। तो ग्रेट हिमालय के साउथ में कौन स्थित है? मिडिल हिमालयाज। कोई दिक्कत? इसी के साथ अब आप देखिए, इन द साउथ ऑफ मिडिल हिमालयाज शिवालिक रेंज इज लोकेटेड। शिवालिक रेंज कहाँ पर स्थित है? लोकेटेड इन द साउथ ऑफ मिडिल हिमालयाज। और यहाँ पर एक रोचक बात आप ये जानिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो ग्रेट हिमालयाज है, ग्रेट हिमालयाज आर आल्सो कॉल्ड हिमाद्री, इसको आप क्या कहते हैं? हिमाद्री। यहाँ पर हिमाद्री कहे जाने का इसका मेन रीजन है कि यहाँ से मेनी रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रेट हिमालया आर ग्लेशियर ऑफ ग्रेट हिमालयाज, दैट्स वाई ग्रेट हिमालया इज आल्सो कॉल्ड हिमाद्री। इस ग्रेट हिमालया में ही यू नो वेरी वेल दैट इन नेपाल हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड इज लोकेटेड, दैट इज कॉल्ड माउंट एवरेस्ट, इसको आप क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट। और नाउ दिस टाइम
इट्स हाइट, इसकी हाइट कितनी हुआ करती है? 8848.86 meters. या रिसेंटली इसकी हाइट रिकॉर्ड की गई है और अब इसे आपको जानना चाहिए. फिलहाल यू नो इट, लेकिन इसी को आप याद किए रहिएगा, ये एकदम एक्यूरेट हाइट हुआ करती है. इसी के बाद अगर माउंट एवरेस्ट की आप बात करेंगे, माउंट एवरेस्ट इज कॉल्ड इन नेपाल सागर माथा. वेरी गुड. इसको आप नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा. और यदि कहा जाए माउंट एवरेस्ट इज कॉल्ड इन तिब्बत और इट इज कॉल्ड बाई तिब्बतियन दैट चोमी लुंग मा, इसको आप क्या कहते हैं? चोमी लुंग मा, चोमी लुंग मा. ये तिब्बत लैंग्वेज में है और इसका मीनिंग है क्वीन ऑफ माउंटेन्स. विच पीक इज नोन एज क्वीन ऑफ माउंटेन्स? माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड वेयर? इन नेपाल. वेयर इट इज लोकेटेड? इन नेपाल. एट नियर टू द बॉर्डर ऑफ सिक्किम. नियर टू द बॉर्डर ऑफ विच स्टेट? सिक्किम. एंड इन सिक्किम हाइएस्ट पीक इन इंडिया कंचनजंगा इज लोकेटेड. यहीं पर कौन स्थित है? कंचनजंगा. हाइएस्ट पीक इन इंडिया ऑफ हिमालयाज. तो ये आप जानते रहिएगा, ये भी आपके यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसी के बाद अब आप देखें, जैसे यहाँ दिस इज अरुणाचल प्रदेश, पटकोईबुम, नागा, बरैल, लुसाई, अराकान योमा, मिजो, त्रिपुरा, गारो, खासी, जयंतिया. और यहीं पर स्थित है मिकेर. कौन से हिल्स? मिकेर. इसी के या इन द साउथ ऑफ शिवालिक, शिवालिक के साउथ में हियर ग्रेट नॉर्थ प्लेन स्थित है. नॉर्थ प्लेन, इसको आप क्या कहेंगे? ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया इज लोकेटेड. आफ्टर देन इन द साउथ ऑफ ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया पेनिनसुलर प्लेटू आर लोकेटेड. यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दिस इज वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, यह थार डेजर्ट है. इन द ईस्ट ऑफ थार डेजर्ट अरावली हिल्स इज लोकेटेड. अरावली हिल्स के ईस्ट में मालवा प्लेटू इज लोकेटेड. इन ईस्ट ऑफ मालवा विंध्यन रेंज इज लोकेटेड. कौन सा है? विंध्यन रेंज. आफ्टर देन इन एमपी बुंदेलखंड, बघेलखंड, माइकाल प्लेट्यू. एंड इन द साउथ ऑफ माइकाल प्लेट्यू सतपुड़ा रेंज इज लोकेटेड. तो यहाँ आप देखिए जो बुंदेलखंड प्लेट्यू है दैट इज लोकेटेड इन साउथ यूपी. कहाँ पर स्थित है? साउथ यूपी. दूसरा इसी के ईस्ट में छत्तीसगढ़ प्लेट्यू इज लोकेटेड, झारखंड प्लेट्यू इज लोकेटेड एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू लोकेटेड. इन मेघालय, मेघालय प्लेट्यू इज लोकेटेड. आफ्टर देन यह पार्शनाथ, नीमगिरी, नल्लामलाई, वलिकोंडा, पालकोंडा, जवाडी, रायलसेना, सेवाराय, ये दीज आर द हिल्स. ये कौन है? हिल्स है जिनसे ईस्टर्न घाट हिल्स का निर्माण होता है. इसी के साथ यहाँ पर दिस इज रन ऑफ कच्छ, दिस इज काठियावाड़ प्लेट्यू, यही गिर और गिरना. दिस इज दक्कन ट्राइब, यहाँ तापी रिवर एंड वेस्टर्न घाट हिल्स. सतमाला, बालघाट, हरिश्चंद, बाबा बुदन, अन्नामलाई, कार्डोमा. और यहीं से ओरिजिनेट होती है पलनी हिल्स. इन तेलंगाना, तेलंगाना प्लेट्यू इज लोकेटेड. तो अब आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज रिलीफ ऑफ इंडिया. दिस इज इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के आधार पर आपका कौन है? भारत है. और ये जो इंडिया है
इस इंडिया में, अब आप देखें यहाँ नॉर्थ वाले बेल्ट में कौन स्थित है, माउंटेनियस रेंजेस है, यहाँ पर माउंटेनियस रेंज, आफ्टर देन दिस इज प्लेन, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, और यह है आपका प्लेट्यू एरिया है, और इसी के बाद इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट हिल्स, ये कौन सा एरिया है, कोस्टल प्लेन, इसको आप क्या कहेंगे, कोस्टल प्लेन, तो कोस्टल प्लेन, और यह आपका एरिया है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इसको आप क्या कहेंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो यहाँ पर दो प्लेन आप देख रहे हैं। तो अब आप देखिए कि अभी अभी आपने कहा इन इंडिया जनरली ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनेशन, ओरिजिन इंडियन रिवर्स आर क्लासिफाइड इनटू फोर पार्ट्स, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल दोज रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम माउंटेनियस रेंज, इसको आप कह सकते हैं, इस माउंटेनियस रेंज को आप कहते हैं हिमालयन रेंज, कौन सा, हिमालयन रेंज, तो हिमालयन रेंज से निकलने वाली ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स को आप क्या कह सकते हैं, आप हिमालयन रिवर, आप क्या कहेंगे, हिमालयन रिवर्स, हिमालयन रिवर्स, और सेकंड दूसरा आप कह सकते हैं दोज रिवर्स विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्लेंटी एरिया, दोज ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेयर, प्लेंटी एरिया, तो प्लेंटी एरिया के लिए आप कह सकते हैं रिवर, प्लेंटी रिवर, इसको आप क्या कहेंगे, प्लेंटी रिवर्स, और इस प्लेन के साउथ में यहाँ से लेकर के जो आप मैप में डायग्राम यहाँ देख रहे हैं ये टोटल का टोटल भाग है पेनिनसुलर प्लेट्यू, और इस पेनिनसुलर प्लेट्यू से ओरिजिन होने वाली रिवर्स को आप कहेंगे पेनिनसुलर रिवर, इनको आप क्या कहेंगे, पेनिनसुलर रिवर्स, और दूसरा अब यहाँ आप कह सकते हैं इसके अलावा आप देख रहे हैं हमारे यहाँ कोस्टल प्लेन बच रहा है, और इसमें इस वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट हिल्स के कारण स्पेशली वेस्टर्न घाट, ये जो रिवर्स इसके वेस्ट डायरेक्शन से ओरिजिनेट होकर अरेबियन सी में फॉल होती हैं या गिरती हैं, ऐसी रिवर्स को आप कहते हैं कोस्टल रिवर्स, विच टाइप ऑफ रिवर्स, कोस्टल रिवर्स, अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इंडिया में ओरिजिन के आधार पर कितने भागों में आपने डिवाइड कर दिया, फोर, अब इसमें एक और क्लासिफिकेशन इसका किया जाता है, जैसे आप देखिए कि जो रिवर्स ग्लेशियर से निकलेंगी ऐसे रिवर्स में थ्रू आउट ईयर वाटर फ्लोज, साल पर्यंत साल भर इसमें लबालब जल प्रवाहित होगा, सफिशियंट क्वांटिटी में जल प्रवाहित होगा, और जो यहाँ फॉल्ट से निकलती हैं यहाँ भी रिवर क्या होंगी, रिवर विल फ्लो थ्रू आउट ईयर, लेकिन जो रिवर इस एरिया से निकलेंगी बिकॉज दे आर बेसिकली डिपेंड अपॉन रेन वाटर, रेनी वाटर, ये वर्षा जल पर निर्भर करती, इसीलिए एक समय के बाद यहाँ से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स क्या होंगी, सूख जाए, दे बिकम ड्राई, ये सूख जाती हैं। तो अब लेकिन अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में जो रिवर्स हिमालय से निकलेगी इनमें ये कहाँ से माना जाएगा, ग्लेशियर, आइदर ग्लेशियर आर फॉल्ट, तो यहाँ से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स में थ्रू आउट ईयर सफिशियंट क्वांटिटी में वाटर फ्लो होगा, जबकि रेस्ट थ्री जो यहाँ शेष बच रहे हैं इसमें थ्रू आउट ईयर सफिशियंट वाटर विल नॉट फ्लो, साल भर इसमें पर्याप्त जल नहीं रहेगा, बल्कि अब आप कह सकते हैं दे ड्राई इन समर सीजन, कब सूख जाएंगी, समर सीजन,
तो नाउ यू कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी अगेन वी कैन क्लासिफाइड द रिवर्स इनटू टू पार्ट्स. अब रिवर को आप वाटर के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में. कितने पार्ट में? टू पार्ट. तो यहाँ सपोज दैट ये रहा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. जब आप वाटर अवेलेबिलिटी के आधार पर इसको क्लासिफाई करेंगे तो अब आप कह सकते हैं कि पहली कैटेगरी है पेरिनियल रिवर. कौन सी रिवर? पेरिनियल रिवर्स. दोज रिवर्स विच फ्लोज आर दोज रिवर इन विच वाटर फ्लोज इन सफिशियंट क्वांटिटी थ्रू आउट ईयर. सच टाइप ऑफ रिवर्स आर कॉल्ड पेरिनियल रिवर्स. इसको आप कह सकते हैं कि जिनमें लबालब जल गर्मी के महीने में भी या साल भर प्रवाहित होता है आप क्या कहेंगे? पेरिनियल रिवर. इसमें कोई दिक्कत? अब ऐसी रिवर स्पेशली कौन है? आपका इंडस कह सकते हैं, आप गंगा रिवर आप कह सकते हैं, आप यमुना रिवर कह सकते हैं, आप ब्रह्मपुत्रा कह सकते हैं. तो दीज रिवर्स आर द मेन एग्जांपल्स ऑफ पेरिनियल रिवर. रेस्ट रिवर जो दूसरी कैटेगरी है इसे आप कहेंगे नॉन पेरिनियल रिवर. तो यहाँ जो नॉन पेरिनियल रिवर्स हैं आप कहेंगे यहाँ से भी प्लेंटी रिवर भी क्या होगी? नॉन पेरिनियल रिवर. जो यहाँ पेनिनसुलर एरिया से निकल रही है नॉन पेनिनसुलर रिवर, और कोस्टल रिवर भी किसकी कैटेगरी में आएंगी? यहाँ पर. अब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इन दिस वे इन द कैटेगरी ऑफ नॉन पेरिनियल रिवर. सबसे पहले तो आप एक लाइन में बोलना सीखें. जैसे कोई भी अगर आपसे कह दे कि व्हाट इज नॉन पेरिनियल रिवर, रिवर्स इन विच वाटर डज नॉट फ्लोज थ्रू आउट ईयर, थ्रू आउट ईयर आइदर लाइकनेस ऑफ वाटर इन समर सीजन और वाटर डज नॉट फ्लो सफिशियंटली इन समर सीजन. तो एक लाइन में आप जवाब दे सकते हैं. और इसके जितना नाम हमें लगता है कि आप सभी लोग, यद्यपि ओवरऑल इंडिया से आप लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की चीज़ों को आप ज़्यादा जानते हैं. तो आप कहेंगे जैसे चंबल है, जैसे लूनी है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, महानदी. तो ये सारी रिवर्स किस कैटेगरी में आती हैं? नॉन पेरिनियल रिवर. लेकिन एक यहाँ पर बहुत ही आश्चर्यजनक बात आप ये जानिए कि यहाँ टोटल की टोटल बोला जाता है कि नॉन पेरिनियल रिवर हैं, किंतु इसी के मध्य कर्नाटका से एक रिवर ओरिजिनेट होकर केरला, तमिलनाडु और पुदुचेरी में प्रवाहित होकर ये आती है. इट फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल, दैट इज कावेरी रिवर. सिंगल रिवर ऑफ साउथ इंडिया विच इज एग्जाम्पल ऑफ पेरिनियल रिवर. तो अब केवल और केवल अगर आपसे कभी भी कहा जाए साउथ इंडिया की वह कौन सी रिवर है विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पेरिनियल रिवर, दैट इज कावेरी रिवर. कावेरी रिवर वैसे भी साउथ इंडिया, साउदर्न मोस्ट इंडिया की, इसको आप क्या कहते हैं? गंगा आप साउदर्न मोस्ट इंडिया. तो यहाँ तीन पॉइंट आप जान लें, बहुत ये इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए, ये फिलहाल दिस इज कॉमन फॉर यू, ये आपके लिए बहुत कॉमन प्रश्न है. आप जानते होंगे कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज, अगर आपसे कहा जाए कि इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया आपको कहना होगा कि इंडस आर ब्रह्मपुत्रा, इंडस आर ब्रह्मपुत्रा. और अगर वहीं पर फिर प्रश्न पूछा जाए लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, दैट इज गंगा रिवर विच इज सैक्रेड रिवर ऑफ इंडिया और होली रिवर ऑफ इंडिया, और या इट इज लॉन्गेस्ट रिवर विच फ्लोज इन इंडिया, भारत में सबसे लंबी
प्रवाहित होने वाली रिवर कौन है? गंगा रिवर। इसमें भी किसी कोई दिक्कत? और जब पेनिनसुलर इंडिया की बात आती है रिवर्स में, तो आप कहते हैं कि गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर इज लॉन्गेस्ट एज वेल एज बिगेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया एज वेल एज पेनिनसुलर इंडिया। इसको भी तो आपको नहीं भूलना चाहिए। फिलहाल यहाँ से आपके यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये रहा आपका रिलीफ ऑफ इंडिया। अब इसी रिलीफ ऑफ इंडिया के आधार पर कुछ सम लर्नेड पर्सनालिटी, कुछ लोग कहेंगे कि इंडिया में ये जो रिवर्स हैं इनके ओरिजिन के आधार कितने भागों में बांटते हैं? दो, एक हिमालयन रिवर, दूसरा पेनिनसुलर प्लेट्यू रिवर्स। लेकिन चूंकि आपको इंडिया लेवल के एग्जाम निकालना है, और हमको लगता है कि इनसाइड क्लासरूम हम इस बात को आपको बता रहे हैं कि ताकि एनी हाउ आपका कोई भी प्रश्न रॉन्ग ना हो, इसीलिए इतना आपको डिटेल में यहाँ पर बताया गया। और अब हम लोग देखेंगे एक एक रिवर, सिंगल सिंगल रिवर के बारे में अब आपको पढ़ना पड़ेगा। और यदि यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले या सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो यहाँ अगर हम कह दें कि दिस इज साउथ इंडिया, ये आपका कौन है? साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया की एक बहुत ही पॉपुलर रिवर है, और यहाँ पर पॉपुलर तो मान लीजिए कई रिवर्स हुआ करती, लेकिन आप कहेंगे इस बात को याद किए रहिएगा, इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि रिवर्स, दोज रिवर्स विच फॉल्स इन अरेबियन सी दे फॉर्म्स एस्चुरी, ये किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी। दोज रिवर विच फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल फॉर्म्स डेल्टा। तो ये ताइए यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब आइए आप हम लोग थोड़ा देखते हैं कुछ रिवर्स के बारे में। और सबसे पहले देखा जाएगा कावेरी रिवर। कौन सी रिवर? कावेरी। तो कावेरी रिवर आप यहाँ देखिए कि कावेरी रिवर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिवर ऑफ साउदर्न मोस्ट इंडिया। ये दक्षिणतम भारत की साउदर्न मोस्ट इंडिया की पॉपुलर रिवर है। कौन सी? कावेरी। या इसी को यू कैन राइट इन दिस वे आल्सो, कावेरी रिवर। किस ढंग से आप लिख सकते हैं? इस मॉडल में भी देयर इज नो एनी फॉल्ट, बोथ आर सेम करेक्ट। तो चाहे जैसे आपको लिखा हुआ मिले दोनों सही है। कावेरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम तल कावेरी ऑफ कर्नाटका। तो अगर आपसे कहा जाए कहाँ से निकलती है? तल कावेरी। आर वी कैन से ब्रह्मगिरी, कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी। इट फ्लोज इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड इन पुदुचेरी आफ्टर देन फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल। कहाँ पर गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में। तो अगर आपसे कहा जाए इट फ्लोज इन हाउ मेनी स्टेट्स? थ्री स्टेट। इन हाउ मेनी यूटी यूनियन टेरिटरी? वन। उसका क्या नाम है? पुदुचेरी। पुदुचेरी का नया नाम क्या है? पुदुचेरी स्वयं नया नाम है, पांडिचेरी इसका ओल्ड नेम है। और एक बार आपको ये भी बताए होंगे पुदुचेरी इज सिंगल स्टेट ऑफ इंडिया विच इज लोकेटेड इन थ्री इंडियन स्टेट्स। कितने राज्यों में है? तीन। तो लेकिन यहाँ जो भी है, अब आप कहेंगे कावेरी रिवर फ्लोज इन टोटल फोर स्टेट्स, इट फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल। ये कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल। और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे ढंग समझ में आया होगा। और अब इससे अधिक हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।